एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज थी उसमें अपन ने करे थे, चार थ्योरम कर ली थी। ओके, जो टोपोलॉजी की रिगार्डिंग थी, मतलब इसी से रिलेटेड थी। तो आज अपन नेबरहुड करने वाले, नेबरहुड सिस्टम, नेबरहुड और इसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरम्स हैं वो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखी है एनवीडी ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे एनवीडी। ओके, नेबरहुड, एनवीएच, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये वाला अपन करने वाले हैं। तो अब देखो, एक पॉइंट का नेबरहुड, ये सारा काम अपन कर रहे हैं टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस में। ओके, तो टोपोलॉजिकल स्पेस में आपको ध्यान में हो तो अपन, मतलब जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, एक्स को नॉन एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट, और टो होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, मतलब पावर सेट ऑफ एक्स। मान लो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ए लिया है मैंने, तो यहाँ पे भी ए ले लेती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोपोलॉजी कब होगी, तो ए की टोपोलॉजी कब होगी, और ये स्ट्रक्चर टोपोलॉजिकल स्पेस कब होगा, जब ये तो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। चार कंडीशन कौन सी, एक तो इस टो में क्या होना चाहिए, फाइव भी आना चाहिए, फाइव बिलोंग टू टो। सेकेंड, ये खुद ए है, ये भी टो में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड, इसके मतलब टोपोलॉजिकल इस टो में मैंने जितने भी मतलब सबसेट लिए, तो उन सबका यूनियन, सपोज कर मैंने आर्बिट्री यूनियन होना चाहिए, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ, कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल, कलेक्शन ऑफ टू, मतलब मैं क्या करूं कि ये ले लूं, इसके कुछ एलिमेंट्स ले लूं। सपोज करो टॉम में क्या आ रहे हैं, A1, A2, इसके सबसेट है A3, A10 तक मान लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका यूनियन करूँ मैं, आई इक्वल 1 to 10 AI, तो ये भी किस में आ जाए, टो में आ जाए। ये थर्ड कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन क्या थी, कोई भी दो G और H जो टो में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका क्या होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन भी टो में बिलोंग करना चाहिए। ये चार कंडीशन कोई टो सेटिस्फाई कर दे किसी सबसेट के लिए, किसी सेट के लिए, नॉन एम्प्टी सेट के लिए, तो ये स्ट्रक्चर टॉप, तो टो टोपोलॉजी हो जाती है ए पे, और ये स्ट्रक्चर हो जाती है टोपोलॉजिकल स्पेस, जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, तो इसी टोपोलॉजिकल स्पेस में अपन आज पढ़ने वाले हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो देखने वाले हैं सबसे पहले नेबरहुड एनवीडी ऑफ ए पॉइंट। क्लियर, इसमें क्या है कि कोई पॉइंट लेंगे, किसका मतलब, पहले तो सारा काम एक्सट्रो में कर रहे हैं, तो एक्सट्रो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, जब इसी एक्स का मैं कोई सबसेट ले लूं, ए ले लिया सपोज, ए सबसेट ऑफ एक्स, तो ये ए कोई पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाएगा, कब उसे नेबरहुड बोलेंगे। सपोज ए कोई पॉइंट है, तो ये ए एक्स का, मतलब ये वाला ए एक्स का नेबरहुड कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन, इसके लिए, इस एक्स के लिए एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो ए का सबसेट हो, और एक्स उसमें बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ ए। मतलब इसका तो रोल है, इसका तो रोल क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस का रोल क्या है, कि ये जो एक्स है उसी में से अपन सेट लेंगे जिसको अपन नेबरहुड बनाते हैं। ओके, और जिस पॉइंट का बनाएंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सच दैट जी इज सबसेट ऑफ एक्स ए एंड एक्स बिलोंग टू जी। ये दो कंडीशन, या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज, सॉरी, ए इज एनबीडी ऑफ एक्स, नेबरहुड ऑफ एक्स। ओके, फिर रिपीट कर रही हूँ मैं,
इसका रोल सिर्फ इतना ही है, टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ रहे हैं तो अपने जो सबसेट लेना है, जो एनबीटी लेनी है, मतलब जिसका एनबीटी दिखानी है, वो सबसेट होगा किसका, एक्स का। और ये एनबीटी कब होगा, जब उस पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए जो उसका सबसेट हो और वो एक्स उसमें बिलोंग करे, क्लियर। उसके बाद में है सिस्टम एनबीटी, एनबीटी सिस्टम, नेबरहुड सिस्टम। ये डेफिनेशन थी। तो नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, जो भी एक्स कोई पॉइंट है, ओके एक्स पॉइंट है, ये भी इसी का होगा क्योंकि ये देखो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, जी सबसेट है, ए ए सबसेट है एक्स। तो ये मतलब किसी एक्स के टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के पॉइंट की एनबीटी ए कब होगी, ओके। तो मैं एक्स कोई पॉइंट लिया, स्मॉल एक्स कोई पॉइंट लिया टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो इस एक्स की एनबीटी सिस्टम क्या होती है, इस एक्स के जितने भी नेबरहुड हैं ए बी सी डी जितने भी हैं उन सबको कलेक्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स के रिगार्डिंग नेबरहुड सिस्टम, इसको बोलेंगे एन एक्स, ओके। ये अपनी दो डेफिनेशन है, मैं इनको लैंग्वेज मतलब लिख के बता देती हूँ जैसे आपको एग्जाम में आए तो कैसे लिखनी है। पहली डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो पहले सबसे पहले टोपोलॉजिकल स्पेस में बात कर रहे हैं, तो लेट एक्स टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस, स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। इसका सब ए सबसेट ऑफ एम लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ओके। देन ए इज कॉल्ड एनबीटी ऑफ, देन ए इज कॉल्ड एनबीटी ऑफ एक्स, मतलब ए एक्स की एनबीटी कब होगी, इफ इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग टू सी इज सबसेट ऑफ ए, ओके। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू सी जी सबसेट ऑफ ए, क्लियर। तो ये एनबीटी ऑफ ए पॉइंट की हो गई, और सिस्टम एनबीटी सिस्टम की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ collection of मतलब इसमें भी एग्जाम में लिखनी होगी तो इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा ना, पहले टोपोलॉजिकल स्पेस दिखाओ, क्या लेट इसको भी पूरा वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेट एक्स टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स के पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल, मतलब जितने भी ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स इज कॉल्ड
सिस्टम ऑफ नेबरहुड सिस्टम ऑफ एच एक्स और इट इज डिनोटेड बाय एन एक्स. समझ आ गया होगा, मतलब x के जितने भी नेबरहुड है ए बी सी उन सबको एक जगह कनेक्ट कर लो और वो सारे क्या है नेबरहुड सिस्टम, मतलब इसके हैं x के, तो इसके सबस्क्रिप्ट में x लगा दो. क्लियर? अब इसके रिगार्डिंग जो थ्योरम है वो करने वाला है. तो सबसे पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट है थ्योरम का जो अपन करने वाले हैं. थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब अपने को एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है. ओके, और कोई दो सबसेट दे रखे हैं ए और बी, सबसेट है एक्स का, ये अपने को गिवन कंडीशन है. ओके, तो ये गिवन लेके चलना है और ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है अपने को कि जो एक्स कोई पॉइंट है, किसका, एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स का कोई पॉइंट है एक्स, तो उसके नेबरहुड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, नॉन एम्प्टी होता है हमेशा नेबरहुड ऑफ एक्स. कोई भी एलिमेंट, एक्स के कोई भी एलिमेंट का जो नेबरहुड है होता है वो नॉन एम्प्टी होता है, नॉन एम्प्टी. ओके, फर्स्ट ये प्रूफ करना है. सेकंड ये प्रूफ करना है कि यदि कोई एक्स के कोई नेबरहुड में आ रहा है ए कोई सेट, तो उसमें एक्स भी बिलोंग करेगा. क्लियर? थर्ड, कोई दो नेबरहुड सिस्टम में कोई दो सेट लिए ए और बी, तो उनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड सिस्टम में आएगा. मतलब मैं कहने का मतलब क्या है कि एक्स के नेबरहुड है ए बी सी डी, ठीक है, और इनका मैंने सिस्टम बनाया, नेबरहुड सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स. ओके, तो ये बोल रहा है कि कभी भी ये फाइन नहीं होता है एक्स, कि कुछ ना कुछ एलिमेंट तो इसमें आएगा ही, तो अपने को प्रूफ करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो इसमें आएगा. सेकेंड, कि ए कोई मतलब नेबरहुड का कोई पॉइंट एक्स ए है नेबरहुड का एलिमेंट, तो उसमें एक्स भी बिलोंग करेगा. थर्ड, अपने को क्या दे रखा है कि इसके मैंने दो एलिमेंट ले लिए सिस्टम के, दो एलिमेंट, तो इनका इंटरसेक्शन भी सिस्टम में आएगा. और फोर्थ क्या है, ए और बी मतलब ए कोई नेबरहुड है तो उसका सुपर सेट भी क्या होगा, इसका नेबरहुड होगा, नेबरहुड. ओके, मतलब नेबरहुड सिस्टम में बिलोंग करेगा. तो अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे प्रूफ. जैसे अपने को एग्जाम में पहले एक्सप्लेन कर देते हैं या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं एग्जाम में जो लिखना है अपने को, भी लैंग्वेज वगैरह सब. इनमें देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज अपने को लिखनी पड़ती है, इससे नंबर आएंगे, अदरवाइज नंबर नहीं देगा क्या. प्रूफ, ओके, फर्स्ट का प्रूफ. फर्स्ट का तो क्या लिखो, सबसे पहले अपने को जो भी गिवन कंडीशंस होती हैं वो लिखनी होती हैं. लेट एक्स टू इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके, एंड ए बी इज सबसेट ऑफ एक्स. अपने को जो ना वी विल शो या फिर प्रूफ दिस कंडीशन, नाउ वी विल प्रूव दिस कंडीशन. कंडीशंस, ओके, अब देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपने को नॉन एम्प्टी दिखाना है. ओके, तो मैं क्या पता है कि जो टू होता है इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं, इसमें आते पावर सेट ऑफ क्या होता है इसमें, यदि ए का टू है तो इसके हर एक एलिमेंट क्या होता है, ओपन सेट होता है. ओके, ये बात नॉट कर लेना, नॉट डाल लेना साइड में नॉट. ओके, एवरी एलिमेंट, every element of two is a open set. ठीक है, तो ये वाला अपन यूज करने वाला है. तो यहाँ पर देखो, since we know that, if since
एवरी एलिमेंट होगा तो इसे इज एन ओपन सेट। ओके अब देखो अपने को क्या दिखाना है, नेबरहुड सिस्टम को नॉन एम्प्टी दिखाना है। ओके तो अपने को पता है कि एक्स का नेबरहुड ले रहे हैं अपन, तो एक्स का नेबरहुड एक्सिस में किसका पॉइंट है और एक्स खुद भी किस में बिलोंग करेगा, टॉम में बिलोंग करेगा वी नो, क्योंकि क्या है एक्स कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, तो क्या होता है यही तो होता है, तो एक्स भी एक खुद का सबसेट है तो वो टॉम में बिलोंग करेगा। अब एक्स बिलोंग कर रहा है टॉम में तो मैंने क्या बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ टो इज एन ओपन सेट, देन एक्स इज एन ओपन सेट राइट, ओपन सेट है तो अपने को क्या चाहिए इस पॉइंट के लिए, कैसा ओपन सेट चाहिए जो सबसेट हो, और अपने को ये भी पता है हर सेट खुद का क्या होता है सबसेट होता है, तो ये अपने को ओपन सेट में मिल गया, इसमें एक्स भी बिलोंग कर रहा है और ये खुद का सबसेट भी होगा, मतलब वो वाली कंडीशन फॉलो होगी ना, ए बिलोंग टू जी इज सबसेट ऑफ ए, एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ ए, जी की जगह भी जी क्या है यहाँ पे ओपन सेट है, तो यहाँ पे एक्स ओपन सेट मिल रहा है अपने को और ए क्या है जिसका वो नेबरहुड दिखाना है, तो एक्स को दिखा रहा है अपने को नॉन एम्प्टी, मतलब हर एक एलिमेंट जिसमें बिलोंग करता है जिस टोपोलॉजिकल वो हमेशा उसमें क्या आएगा नेबरहुड, वो उसका हमेशा नेबरहुड बनेगा। ओके तो इसको लैंग्वेज में लिख लें, थोड़ा समझ आ गया होगा आपके। यहाँ तक हो गया अपना एवरी एलिमेंट ऑफ टॉय इज एन ओपन सेट एंड अपने को पता है एक्स किस में बिलोंग करता है टॉम में, क्योंकि ये सबसेट का कलेक्शन होता है, दिस इंप्लाइज ये टॉम में बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स इज एन ओपन सेट। अब x की एनबीडी को दिखाना है नॉन एम्प्टी, तो x बिलोंग टू टो सॉरी x बिलोंग टू कैपिटल x एंड x इज सबसेट ऑफ a, तो यहां से क्या हो गया x बिलोंग टू x इज सबसेट ऑफ x, दोनों को कंबाइंड ही लिख दिया तो यहां से क्या दिख रहा है x इज एनबीडी ऑफ स्मॉल एक्स, मतलब इससे स्मॉल एक्स क्या होगी एक्स एनबीडी होगी, नेबरहुड हो गया, नेबरहुड का कलेक्शन ही क्या होता है तो एक्स जो एन एक्स में कौन बिलोंग कर गया, अच्छा दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू नेबरहुड सिस्टम में, क्योंकि हर एक एनबीडी सिस्टम में तो आती है कलेक्शन ऑफ एनबीडी ऑफ एक्स, तो एक्स बिलोंग कर गया नेबरहुड सिस्टम में, दिस इम्प्लाइज अपन ने दिखा दिया कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है नॉन एम्प्टी होता है। ओके तो ये फर्स्ट था, सेकंड अपने को क्या करना है कि ए कोई बिलोंग कर रहा है नेबरहुड सिस्टम में, सेकंड क्या है ए बिलोंग टू एन एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स पे बिलोंग करेगा ए में। ओके ये अपने को दिखाना है, तो ये सीधा सा देखो ये अपने को लेके चलना है, ये अपने को प्रूव करना है, तो लेट मान लिया कि ए बिलोंग कर रहा है एक्स में, ओके इसका मतलब क्या है ए इज एनबीडी ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज ए इज एनबीडी ऑफ एक्स, तो एनबीडी एक्स की तो एक डेफिनेशन है एनबीडी की, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट There exists an open set G such that X belongs to Z, its subset of A, right? X G में कर रहा है, G subset A का, तो यहाँ से क्या हो गया? X is X belongs to A, या फिर इसको एक step और लिख दो, X belongs to Z and G subset of A, तो इन दोनों को, इन दोनों से क्या पता चल रहा है? कि एक्स ए में भी जाएगा, ओके
तो यहाँ यही अपने को प्रूव करना था सेकंड में। अब थर्ड, थर्ड क्या था कि ए बिलोंग कर रहा है नेबरहुड सिस्टम में, बी भी बिलोंग कर रहा है नेबरहुड सिस्टम में, तो अपने को क्या दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा, मतलब इनका इंटरसेक्शन भी एक्स का नेबरहुड होगा। ओके, तो चलो ए नेबरहुड एक्स का, तो ए बिलोंग टू एन एक्स, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है इसमें। ओके, ये सीधे से दिख रहा है ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो देयर, इसके लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग करेगा जी में, जी सबसेट होगा ए में। और अपने को सेकंड याद रखिए, इसके जस्ट बाद में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑल्सो बी बिलोंग टू नेबरहुड ऑफ एक्स, तो दिस इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। ओके, ये इसका नेबरहुड हो गया, फिर तो इसके लिए भी एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट H, ऐसा सब सच दैट, ऐसा ओपन सेट हुआ जिसमें X बिलोंग करेगा और ये सबसेट होगा B का। ओके, ये फर्स्ट होगी अपनी, ये सेकेंड इनइक्वालिटी होगी। अब यहाँ पे चलते हैं ऊपर, देखो फर्स्ट से क्या मिल रहा है अपने को, फ्रॉम फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है जी में और जी सबसेट है ए का, सेकंड से फ्रॉम सेकंड एक्स बिलोंग कर रहा है एच में, एच इज सबसेट ऑफ बी, क्लियर। अब इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड, यहाँ से क्या बता सकते हैं इन दोनों से, एक्स बिलोंग करेगा किस में, जी इंटरसेक्शन एच में भी, क्योंकि दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में करेगा, और इन दोनों से क्या मिल रहा है, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं जी इंटरसेक्शन एच भी सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। और अपने को पता है कि फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये क्या मिल गया अपने को, ओपन सेट हो गया। इन दोनों को कंबाइंडली लिख दो, क्या x बिलोंग टू g इंटरसेक्शन h सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये क्या है ओपन सेट है किसके लिए, x के लिए x बिलोंग कर रहा है, और ये इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, a इंटरसेक्शन b इज नेबरहुड ऑफ x, यही अपने को चाहिए था, तो a इंटरसेक्शन b में किस में, नेबरहुड सिस्टम में बिलोंग कर जाएगा। ये अपनी थी थर्ड, अपने को फोर्थ प्रूफ करनी है। फोर्थ क्या थी कि ए कोई एनबीडी है एक्स की, मतलब ए बिलोंग कर रहा है नेबरहुड सिस्टम में और ए सबसेट है बी का, तो अपने को दिखाना है कि बी भी किस में बिलोंग करेगा, नेबरहुड सिस्टम में बिलोंग करेगा। तो लेके चलो लेट ए बिलोंग टू एन एक्स नेबरहुड सिस्टम, दिस इंप्लाइज नेबरहुड सिस्टम में बिलोंग कर रहा है, तो ए इज एनबीडी ऑफ एक्स ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज या फिर देयर एग्जिस्ट जी, या फिर ओपन सेट, मतलब पूरी डेफिनेशन लिखो जी सच दैट एक्स बिलोंग टू जी इज सबसेट ऑफ ए। अपने को पता है सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू, ये इसमें बिलोंग, मतलब इसमें ऐड कर दो इसको, एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। ओके, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ, मतलब ये इसका सबसेट है तो इसका भी होगा बड़े वाले का, मतलब देखो ड्रा करके दिखाती हूँ आपको, बी बड़ा सेट है ये, अपने को बी गिवन है इसमें से, ये अपने को ए गिवन है और ये जी गिवन है ओपन सेट, तो ये बोल रहा है जी क्या है सबसेट ए का, दिख रहा है ए में आ रहा है। ओके, और ए सबसेट है बी का, तो बी आ रहा है, तो ये जी किस में बिलोंग कर जाएगा, बी में भी बिलोंग कर रहा है ना पूरे में, तो यही मैंने लिखा है,
यहाँ से ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, दिस इम्प्लाइज बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो एक्स के नेबरहुड का कलेक्शन किस में आता है, नेबरहुड सिस्टम में। क्लियर, कल नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है।